हेलो एंड वेलकम टू आर नाइन टीवी। आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे बॉलीवुड गलियारों के उन खबरों के बारे में जो बॉलीवुड में इस समय कर रही है ट्रेंड। कैसे अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला और उनका जो रिएक्शन था वो कैसा था। वहीं बात करेंगे इंटरनेट की जो क्वीन कही जा रही है इस समय रानू मंडल के बारे में। जी हाँ, रानू मंडल को लेकर अपडेट है, उसके ऊपर बायोपिक बन रही है। कैसी बायोपिक बनेगी, कौन इसके अंदर अभिनेत्री होगी, कौन इसको डायरेक्ट करेगा, सारी अपडेट आपको दिखाते हैं इस बॉलीवुड ब्रेक में, जो हमारी खास सेगमेंट है जिसके नाम दिखाते हैं आपको बॉलीवुड गलियारों की सारी खबरें। तो देखिए बॉलीवुड ब्रेक। फिल्म मेकर ऋषिकेश मंडल इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल पर बायोपिक बनाने की तैयारी में है। रानू की बायोपिक के लिए साउथ की एक्ट्रेस सुदीप्ता चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया है। इस बात को कंफर्म करते हुए सुदीप्ता ने बताया, मुझे फिल्म ऑफर हुई है पर अभी तक मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं मिली है। एक्टर अमिताभ बच्चन को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने के अनाउंसमेंट होने के बाद बिग बी ने ट्विटर पर हाथ जोड़कर थैंक यू कहते हुए एक फोटो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, कृतज्ञ हूँ मैं, परिपूर्ण हूँ, आभार और धन्यवाद। मैं केवल एक विनयपूर्ण विनम्रता से भरा अमिताभ बच्चन हूँ। हाउसफुल 4 का मोशन पोस्टर शेयर करने के बाद मेकर्स ने मूवी के पोस्टर शेयर किए हैं। मेकर्स ने एक के बाद एक लगातार सभी स्टार कास्ट के पोस्टर शेयर किए हैं। पोस्टर्स के साथ ये क्लियर हो गया है कि फैंस को फिल्म में डबल रोल के साथ साथ डबल कॉमेडी का डोज भी मिलने वाला है और आज हर घंटे हाउसफुल 4 का नया पोस्टर शेयर किया जाएगा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को काले हिरण शिकार के मामले में उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सलमान खान को यह धमकी फेसबुक के जरिए दी गई है। ये धमकी गैरी शूटर नाम की आईडी से सलमान खान को दी गई है। इस पोस्ट पे धमकी देने वाले यूजर ने सलमान खान की फोटो शेयर करते हुए उसे रेड कलर से क्रॉस कर रखा है और कैप्शन में धमकी लिखी हुई है। सैफ की फिल्म लाल कप्तान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। नागा साधु के दमदार रोल में छोटे नवाब को सभी लोगों ने खूब पसंद किया है पर फिल्म मेकर्स को एक गलती की वजह से सभी लोग ट्रॉल कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स ने ट्रेलर में प्रोडक्शन की स्पेलिंग को गलत लिखा है जिसकी वजह से मेकर्स को जो ऑडियंस है वो ट्रॉल कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि क्या कुछ चल रहा है बी टाउन में, खास हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बॉलीवुड ब्रेक। बाकी ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल आर9 टीवी के साथ। फिलहाल के लिए ओके, टाटा एंड बाय।